स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। और आज का जो रूटीन है ना, सुबह का मैंने बिल्कुल शूट नहीं कराया, क्योंकि वही सेम सब कुछ था। और फिर जब ये ऑफिस चले गए, उसके बस आधे घंटे बाद ही बच्चे आ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना उनके एग्ज़ाम हैं, तो फिर वो जल्दी आ गए। तो ऐसा कुछ मैंने खास करा नहीं था, बाकी कोशिश तो मैं करूँगी कि आज एक्सरसाइज में शुरू करूँ। तो अभी 1 बजे ये मैंने कढ़ी चावल खा लिया है, तो एक्सरसाइज से मतलब 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए खाना और एक्सरसाइज के बीच में। तो मैं अब सोच रही हूँ इसके बाद कुछ भी मुंह में नहीं डालूंगी, कम से कम 4 बजे तक, 4 बजे के आसपास फिर मैं करूँगी थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ी कोशिश करूँगी। इतने दिन का गैप हो गया है ना, बहुत ज़्यादा ही गैप हो गया है, तो करने का मन भी एक तो नहीं कर रहा है, लेकिन बस मैं ये सोच के कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब शुरू करना ही चाहिए। देखो फ़ायदे तो मिलते ही हैं, बॉडी थोड़ी टोन हो जाती है, अच्छा ही लगता है। तो एक शुरुआत करेंगे 4 बजे, यही मैंने कहा आपको लोग बता देती हूँ कि कम से कम 3-4 घंटे का आप गैप रखिए। अगर सुबह एक्सरसाइज नहीं हो पाती है तो शाम को करें ना, तो बस लंच के बाद आराम से 3-4 घंटे के बाद फिर वो शुरू करें। तो वही मैं आज करने वाली हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अभी सोचा नहीं है कि कौन सी क्या करूँगी, जहाँ तक है टीवी में लगा के ही करूँगी, क्योंकि अब सारी यादें हैं ना वो धुंधली हो गई हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे, और तब तक अभी मेरे पास टाइम है तो सोच रही हूँ मधुबनी आर्ट का कोई डिज़ाइन सोच लेती हूँ। बहुत सारे थे मेरे मन में, क्या मतलब मेरे फ़ोन में, तो उन्हीं में से देखती हूँ कि नेक्स्ट कौन सा करा जाए। स्टार्टिंग कर देती हूँ, फिर तो मैं धीरे धीरे उसे बनाती ही रहूँगी। ये मेरे पास एक सौंफ की शीशी है, तो ये उसका मैंने ढक्कन ले लिया है, इसके माध्यम से मैं ये बना रही हूँ डिज़ाइन। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत है, एक घर है जो चारों तरफ से पेड़ पौधों में घिरा हुआ है। तो बनाते बनाते ये पता है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा, और इसका ये पूरा जो ऊपर का है ना आउटलाइन, वो मैंने पूरी ड्रॉ कर ली है। फिर उसके बाद जो इसके आउटलाइन को ये है ना ब्लैक जेल पेन से फिर हम थोड़ा मोटा मोटा उसमें हो रखा है, ताकि अंदर की डिज़ाइन एकदम अच्छे से दिखे और आउटलाइन भी अच्छे से दिखे। तो फिर मैंने ना बाहर का सोचा लाओ ये कर ही लेती हूँ, तो देखिए मैंने पूरा ये बाहर का कर लिया है, और फिर हो गया आज का काम ख़त्म, ये समझ के फिर ये मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अब हो गया है एक्सरसाइज करने का टाइम। 4:30 बज गए थे ड्राइंग के बाद, थोड़ा रेस्ट भी किया था मैंने, वो तो मैंने आपको खैर क्या ही दिखाती। फिर उसके बाद जब 4:30 बज गए, तब फिर मैं उठ गई और फिर मैंने ये अपना ये रूटीन फॉलो करा जो सोचा था वही ही। इस बार है ना मैंने क्या करा, अपने ही चैनल की वीडियो लगा दी है, जो कि मैं आपको तो मिल जाएगी मेरे एक्सरसाइज वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ की मैंने एक वीडियो लगा दी और अपना ही वीडियो देख करके मैं ये पूरा कर रही हूँ। करीब 15 मिनट का ये रूटीन था। जिस वीडियो को देख करके मैं कर रही हूँ ना, उस समय तो मतलब मेरा स्टेमिना काफ़ी सही था, मैंने हर एक्सरसाइज उसमें 20-20 बार करी हुई है, और अभी भी मैं कोशिश है ना उसको देख के जो कर रही हूँ तो 20 बार ही कर रही हूँ, लेकिन एक्सरसाइज का एंड आते आते तक मतलब मैं 20 तक नहीं जा पा रही थी, उससे पहले ही मतलब मेरा साथ ये छूट जा रहा था। तो यानी कि इतने दिन जो मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है ना, ये उसका ही हर जाना मैं भुगत रही हूँ कि अब स्टेमिना थोड़ा पहले से कमज़ोर हो गया है, जो कि मेरा धीरे धीरे ही बढ़ेगा। Thank you.
पहले तो कर लेती थी लेकिन अब ज्यादा सांस फूल रही है। अभी जो रिसेंटली मैंने जो वॉक शुरू करी है, तो पहले दिन तो खैर मैंने वॉच नहीं पहनी थी और मेरे को पूरा आइडिया था कि इतना मैंने 2000 कदम हुए होंगे। तो पहले दिन हुए मेरे 2000 और दूसरे दिन मैंने अपने 1000 बढ़ाए, यानी कि 3000। अब है अगला दिन, यानी कि आज का दिन। तो आज हम फिर से 1000 कदम ज्यादा चलेंगे, तो यानी कि कम से कम आज मैं ना 4000 स्टेप्स करके आऊंगी। जब ऐसा सोच के जाऊँ ना, फिर वो पूरा हो ही जाता है। तो अभी तो खैर टाइम है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर मैं जाऊंगी वॉक पे। और तब तक चेंज कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ। रील्स में ऐसे ही करते हैं ना, मैंने ऐसे ही ट्राई करा है, बनाती नहीं हूँ खैर ऐसी मैं रील्स तो। लेकिन अभी है ना, क्योंकि वो खाया मैंने कितनी देर का था, तो अब मुझे लग रही है थोड़ी भूख, तो मैं जा रही हूँ वो अपनी होममेड नमकीन खाने, और उसके साथ एक ग्लास दूध ले लूंगी। तो ये ले लिया है नमकीन और मैंने बना लिया है पपाया शेक। नमकीन तो खैर मुझसे आती ही कभी, हाँ शेक मैंने जरूर पूरा पी लिया। टाइम हो गया है वॉक पे जाने का। बच के 2 मिनट और अभी एक भी स्टेप्स नहीं है इसमें, हम पहन लेते हैं। आज हमें करने हैं 4000 स्टेप्स। अच्छा मौसम, अच्छी हवा और अच्छे गाने, ये है ना चार चांद लगा दे रहे हैं वॉक को। स्टेप्स चेक कर लेते हैं, तो मेरे स्टेप्स आज हो गए हैं 4317, यानी कि जो टारगेट हमने सोचा था वो हमने अचीव कर लिया है। तो अभी रात का टाइम हो गया है और कड़ी सुबह की थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैं यहाँ बना रही हूँ ये कुंदरू आलू की सब्जी, जो कि मैं बनाऊँगी कुकर में। और काफ़ी मैंने अलग स्टाइल से थोड़ी सी बनाई थी, ये लहसुन प्याज और ये सब करके ना, तो बड़ी अच्छी सी बनी थी। मतलब इससे ही ऐसा लग रहा था कि चावल भी खा लो, मैंने तो पता है रोटी खाई नहीं, चावल खाया, सब्जी ली और थोड़ी सी कढ़ी ली। ये देखिए इसकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है ना। तो फिर खाना पीना फिर निपट गया था। उसके बाद है ना, मेरा बहुत ही मतलब मन कर रहा था कि मैं फिर से वो अपना है ना ये मधुबनी आर्ट को उठा लूँ, क्योंकि पता नहीं ये डिज़ाइन मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था और मेरे पास फिर टाइम भी था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करो, फालतू मोबाइल चलाने से अच्छा है तो मैंने सोचा इसमें मन लगाती हूँ, जब मन लग ही रहा है तो लगाओ इसमें। वैसे जनरली मैं दोपहर में करती हूँ, लेकिन आज फिर मैंने ये रात में इसको करा और काफ़ी सारी मैंने डिज़ाइन बना ली थी। ये बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर लिया, देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे तो कितना अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा दूर से तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। तो चलिए इसी बात पे हम अपने वीडियो का एंड कर देते हैं, आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ नया टारगेट लेकर आऊँगी सोच रही हूँ। चलो फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।